फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जो अंतिम संस्कार जहां पर होना शिवाजी पार्क में, वहां की ये तस्वीरें हैं। पुलिस कर्मी जो है वो भी मौके पर मौजूद है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो इसकी तमाम तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे जो है यहां पर पहुंचेंगे। खबर ये भी सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो भी यहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहां पर पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। और इसी के साथ देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और लता जी वो नामचीन हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने कला से लोगों का मन जो है वो जीत लिया था, मन मोह लिया था, और जब आज वो हमारे बीच में नहीं है तो यही गम है कि जो सरस्वती के तौर पर उनको माना गया है, एक बातें भी लगातार कही जाती है कि उन्हें लोग पूजते हैं और आज जो है वो पूजनीय हमारे बीच में अब नहीं है। ये काफिला जो है वो उनके अंतिम यात्रा के साथ गुजर रहा है, सभी लोग इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं लता जी से, उनकी आवाज को इतना पसंद करते हैं कि कोई भी शख्स जो है वहां से गुजर रहा है वो चाहता है कि इस अंतिम यात्रा का मैं हिस्सा बनूं और एक बार आखिरी बार मैं लता जी को देख सकूं। तो ऐसे में ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा देश है, ये आज दर्द में है और ये दर्द जो है वो बयां करने का जरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदासी जो है सबके चेहरे पर देखने को मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो कितना प्रेम करती थी लोगों से, और कई वाक्य हैं, कई किस्से भी हैं, उन्हें क्या क्या चीजें पसंद थी इस बात का भी जिक्र कई जगहों पर किया गया है। खास तौर पर आप बता दें कि लता जी को गिफ्ट देना जो है वो बहुत पसंद था, तो वो लोगों को, लोगों के घरों पर जो उनके रिश्तेदार थे, जो जिनसे वो उनका लगाव था, जो उनके करीबी थे, उनको गिफ्ट्स जो है वो जरूर भेजना जो है उन्हें पसंद था, वो भेजती थी और कहीं ना कहीं लगातार लोगों के संपर्क में भी रहती थी। तमाम कहानियां हैं, तमाम किस्से हैं, और ऐसे में वही किस्से जो हैं ये दर्शाते हैं कि आखिर लता जी की जो जो उनकी भावना है वो किस तरीके से कितनी अच्छी और कितनी साफ है, और उनका जो नेचर है वो कितना अच्छा है। ये तमाम चीजें हर एक किस्से से आप समझ पाएंगे कि आखिर वो किस तरीके से लोगों से प्यार करती थी, अपने कला से उनको कितनी मोहब्बत थी, और अपने सुर से, अपनी आवाज से, अपने 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 गायक अपने गायन से जिस लोगों का उन्होंने दिल जीता है वो आज भी उनकी आवाज की कायल है। आज भी लोग उनकी गानों को सुनना पसंद करते हैं, उनके द्वारा गाए गए गानों को लोग सुनना पसंद करते हैं, और खास तौर पर अगर हम बताएं तो जिस तरीके से उन्होंने एक 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 वक्त पे राज किया है और लगभग 30,000 से अधिक गाने जो हैं उन्होंने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं और सभी गाने जो है वो सुपर डुपर हिट हुए हैं, तो 50,000 से अधिक गाने जो हैं उन्होंने गाए हैं और अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, आम जनता जो है वो उनसे प्रेम करती है। और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इनको भी अगर आप गौर से देखें तो आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से लोग उनसे इतना प्रेम करते थे कि अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना वो चाह रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ी बहुत सावधानी जो है वो बरतनी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो लोग यहां पर आए वो सुरक्षित रहें, और तमाम पुलिस कर्मियों को भी मौके पर तैनात जो है वो कर दिया गया है। 6:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है जब अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होंगी लता जी, और लोगों की आंखों में आंसू है। तमाम जो रिएक्शन से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, विदाई में जो है हुजूम है लोगों का वो फिलहाल उमड़ पड़ा है, और अंतिम सफर के लिए निकल गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पंडित हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो जो कार्यक्रम होगा मंत्रोच्चारणों के साथ पूरा जो कार्यक्रम होगा उसका भी थोड़ी देर में आगाज किया जाएगा, और विशेष तौर पर जो लोग उन्हें याद करते हैं, जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो लोग भी एक एक कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये लगातार पुलिस कर्मियों की प्राथमिकता है, और अलग अलग जगहों पर तमाम जो पुलिस कर्मी हैं वो तैनात भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 92 साल की उम्र में लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा है,
अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो लोग उनका उनको इतना प्रेम करते थे और लोगों के बीच में भी उनकी उनके गायन को इतना पसंद किया गया है, और इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि एक युग का अंत जो है हो गया है।